करेंगे। दूसरी बड़ी खबर का रुख करेंगे, ये भी रायपुर से मिल रही है, जहां पर 400 के पार पीलिया पीड़ित की संख्या पहुंच गई है। 36 घंटे में पीलिया के 70 नए मरीज मिले हैं। 6 साल का बच्चे को भी पीलिया हुआ है। गंदे पानी के कारण शहर में पीलिया लगातार फैलता जा रहा है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर जो पीलिया का मामला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। मेरी सहयोगी सुप्रिया पांडे लगातार फोन लाइन पर जुड़ी हुई है। सुप्रिया, कोरोना को कंट्रोल करने में तो हालांकि एक सराहनीय कदम है भूपेश सरकार का, भाग्य स्वास्थ्य महकमे का, लेकिन पीलिया के आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, पीलिया पर नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा? बिल्कुल, पीलिया के आंकड़े तो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, 435 हो गए पीलिया के आंकड़े। और साथ ही अगर हम बात करें, जैसे देश के विभिन्न राज्यों में कोरोना फैल रहा है, उसी तरह छत्तीसगढ़ में जो है पीलिया का प्रकोप ज्यादा है। और पीलिया के जो मरीज है वो ज्यादातर सामने आ रहे हैं, और ये कारण ये है कि गंदे पानी और कीड़े लगे हुए पानी का जो है निगम द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, और जो वहाँ के रहवासी है वो भी पानी पीने को मजबूर है। टैंकर तो आता है, लेकिन टैंकर में भी गंदा पानी आ रहा है। तो नगर निगम के अधिकारी उनसे ये कहते हैं कि अब छान के पीजिए, उबाल कर पीजिए। तो छान कर और उबाल कर उसी पानी को पीना एक का सॉल्यूशन नहीं है। तो इस तरीके से जो पीलिया के चपेट में काफी लोग आ रहे हैं, और इसी तरह से पीलिया के मरीजों की जो संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। निश्चित तौर से आप सही कह रही हैं, छान कर और उबाल कर पीना किसी भी समस्या का और गंदे पानी से निजात पाने का सॉल्यूशन नहीं होता। फिल्टर प्लांट था, उसकी सर्विसिंग की बात कही जा रही थी, हालांकि अब तक उसकी सर्विसिंग नहीं हुई है। कब तक उसकी सर्विसिंग हो पाएगी? क्योंकि पहली मर्तबा नहीं है, पिछले साल भी आंकड़े आए थे, उससे पहले भी आए थे, 2015 से लगातार देखने को मिल रहे हैं। जी बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग तो है लगातार लगातार जो है जांच कर रहा है, जगह जगह कैंप लगा रहे हैं, और साथ ही जो निगम है, निगम के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उनको भी जो है 3 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है कि जल्दी ही आप इस पानी पर जो है पाइप है, पाइपलाइन चेंज कीजिए और इस प्रक्रिया पर सुधार कीजिए, नहीं तो आपको मतलब काम में नहीं रखा जाएगा। इस तरह के जो अल्टीमेटम है वो दिया जा रहा है, नहीं तो उन पर कार्रवाई होगी। और इसको लेकर के नगर निगम में बैठक भी आयोजित की गई थी, जिसमें से पीलिया को लेकर के गंभीरता से जो है विचार विमर्श किया गया, और इसके किस तरह से इस समस्या से जो है निजात पाया जा सकता है उस पर विचार किया गया, क्योंकि पीलिया जो है गंभीर समस्या बनती जा रही है रहवासियों के लिए। यहाँ पर जो है अभी भी 9 जगहों का पानी जो है वो दूषित मिल रहा है। 14 जगहों का पानी सैंपल के लिए भेजा गया था, लेकिन 9 जगह का पानी दूषित मिला है। और साथ ही स्वास्थ्य विभाग की टीम कहती है कि निश्चित रूप से समस्या गंभीर है, लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार पीलिया की इस बीमारी से रायपुर को कैसे निजात मिलेगा, क्योंकि आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और 400 के पार ये आंकड़ा पहुंच गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रिया तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए। और इसी बीच एक छोटा सा ब्रेक जल्द होंगे।